गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं खड़ा हूँ बारो स्टेशन के पास और मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। हम लोगों का आज प्लान है कि शायद हम लोग बकिंघम पैलेस की तरफ चले जाएं। हम लोगों का डिसाइड हो गया कि हम लोगों ने बकिंघम पैलेस की तरफ ही जाना है। वैसे बकिंघम पैलेस ठीक है, चलें चलते हैं बकिंघम पैलेस की तरफ और आपको दिखाते हैं लंदन की एक महंगी जगह जहाँ पे किसी टाइम में क्वीन ऑफ इंग्लैंड रहा करती थी। तो अभी हम लोग मौजूद हैं अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ और पहली दफ़ा आसिम जो है ट्रेन पे जा रहा है अंडरग्राउंड। इसने कभी ट्रैवल नहीं किया यहाँ पे पहले, तो ये भी बहुत एक्साइटेड है इस ट्रैवल के लिए क्योंकि ट्यूब जर्नी इसके लिए फ़र्स्ट टाइम है। अच्छा लग रहा, फर्स्ट टाइम जो है जाऊँगा। नीचे बेसमेंट में पूरी दुनिया का है, अंडरग्राउंड में तो आज फर्स्ट टाइम देखा है मैंने ये। यहाँ पे बिल्कुल एक अलग ही नीचे अंडरग्राउंड दुनिया मौजूद है और लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं एवरी डे। तो हम आपको आज जो है ये अंडरग्राउंड जो ट्यूब स्टेशन है ये भी दिखाएंगे लंदन का और आपको लाजमी पसंद आएगा। ग्रीन पार्क में हम लोग लंदन ब्रिज से बैठे और चार स्टॉप अवे यहाँ पे ग्रीन पार्क आता है, यहाँ पे हम लोग उतरे और यहाँ से हम लोग वॉक करेंगे बकिंघम पैलेस की तरफ। तो अभी हम लोग मौजूद हैं ग्रीन पार्क में और यहाँ से हम लोग वॉक करेंगे टुवर्ड्स बकिंघम पैलेस और आपको दिखाते हैं ग्रीन पार्क भी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पार्क है ये। तो हम लोग स्टेशन से बाहर निकले और उसके बाद अभी हम लोग पार्क से होते हुए बकिंघम पैलेस की तरफ जा रहे हैं जो कि इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक लिटरली 3 मिनट्स वॉक है और हम लोग बकिंघम पैलेस के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। सात सौ 75 रूम 92 ऑफिसेज़ और 72 टॉयलेट्स इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। इधर इनके अपने डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे अंदर जो है ना, मतलब यहाँ पे इवन के सर्जरी भी करते हैं और इससे हट के यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अंदर है, पोस्ट ऑफिस की जो भी सहूलियात हैं अंदर मिलती हैं इनको, पेटीएम जो है वो भी अंदर ही मौजूद है, मतलब तकरीबन तमाम सहूलियात जो हैं वो सारी अंदर इनको मौजूद है। ये सिर्फ मतलब कि रॉयल फैमिली के लिए है, उसके अलावा किसी की इंटरेस्ट नहीं है यहाँ। टूरिस्ट जाते हैं मेरे ख्याल से, उनको कोई टिकट शायद बाय करना पड़ता है लेकिन मखसूस एरिए हैं वहाँ तक जा सकते हैं। इस व्लॉग को खैर यहीं पे एंड करते हैं और आपसे अब मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।